दोस्तों एक दिन जठरलाल चोरी करने के लिए सिटी में पहुंच जाता है। चोरी करने के लिए जठरलाल सिटी में घर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे तीन घर नजर आते हैं। तीनों घरों को देखकर जठरलाल को कुछ समझ नहीं आता कि उसे इन तीनों में से कौन से घर में चोरी करनी चाहिए ताकि वह यहाँ से सही सलामत भाग सके। दोस्तों इन तीनों घरों को ध्यान से देखकर क्या बता सकते हो कि इन तीनों में से जठरलाल को किस घर में चोरी करनी चाहिए? ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो पहला घर है उसकी लाइट चालू है, यानी इस घर में चोरी करना किसी खतरे से खाली नहीं है, यानी इस घर में जठरलाल चोरी नहीं कर सकता। और जो दूसरा घर है उसके बाहर बहुत सारे चप्पल है, यानी इस घर में लोग रहते हैं, यानी यहाँ पर चोरी करना भी बहुत मुश्किल है। और जो तीन नंबर का घर है उसकी लाइट ऑफ है और उसके बाहर कोई चप्पल भी नहीं है, यानी इस घर में चोरी करना बहुत आसान है। जठरलाल तीन नंबर के घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद जठरलाल को तुरंत पता चल जाता है यह घर चालू पांडे जी का है। दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि जठरलाल को यह कैसे पता चला कि यह घर चालू पांडे जी का है? इस फोटो फ्रेम को देखकर जठरलाल को पता चल जाता है कि यह घर चालू पांडे जी का है। जठरलाल घर से कुछ सामान चोरी करता है और यहाँ से तुरंत भाग जाता है। तभी चालू पांडे जी अपने घर में आ जाते हैं और वह देखते हैं कि उनके घर में चोरी हुई है। उनको कुछ समझ नहीं आता कि उनके घर में कौन कौन सी चीजें चोरी हुई है। दोस्तों इन दोनों इमेज को ध्यान से देखकर क्या आप बता सकते हो जठरलाल ने इस घर से कितने सामानों की चोरी की है? ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इस घर से तीन सामानों की चोरी हुई है, पहला लैपटॉप, दूसरा मोबाइल और तीसरी वॉच। चोरी करने के बाद जठरलाल दौड़ता हुआ रास्ते से भागने लगता है। तभी उसका पीछा चालू पांडे जी अपनी कार से करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जठरलाल एक शोरूम के पास पहुंचता है। शोरूम के बाहर उसे तीन बाइक नजर आते हैं। इन तीनों बाइक को देखकर जठरलाल सोचने लगता है, मुझे इन तीनों में से कोई एक बाइक चुननी होगी ताकि मैं चालू पांडे जी से बच सकूं। दोस्तों क्या आप बता सकते हो इन तीनों में से जठरलाल को कौन सी वाली बाइक चुननी चाहिए? ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर जठरलाल को चालू पांडे जी को पीछे छोड़ना है तो उसे हाई स्पीड वाली बाइक चुननी चाहिए। ए वाली बाइक तो वह चुन नहीं सकता, उसकी स्पीड बहुत कम होती है। बी वाली बाइक का तो टायर पंचर है, यानी यहाँ पर जठरलाल सी वाली बाइक यानी स्पोर्ट बाइक चुनेगा। जठरलाल स्पोर्ट बाइक पर बैठता है और वहाँ से भागने लगता है। चालू पांडे जी भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर भागने के बाद जठरलाल को दो रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता सिटी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जंगल की तरफ। क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों में से जठरलाल को कौन सा वाला रास्ता चुनना चाहिए? दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, शहर में तो पुलिस स्टेशन होते हैं। अगर जठरलाल ए वाले रास्ते से जाता है तो वह जरूर पुलिस के हाथ लग सकता है, यानी यहाँ पर जठरलाल को बी वाला रास्ता यानी जंगल का रास्ता चुनना चाहिए। जठरलाल जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। चालू पांडे जी उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल में भागने के बाद जठरलाल की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वह तुरंत बाइक से उतर जाता है। बाइक वही छोड़कर वह पैरों से दौड़ने लगता है। चालू पांडे जी भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगते हैं। पैरों से दौड़ने की वजह से आगे जाकर चालू पांडे जी जठरलाल को पकड़ लेते हैं और केस सोल्व हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की कार्टून रिलेटेड स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।